अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ एंड वी आर शूटिंग फॉर अ सीरियल नेम्ड तुम्हारे हुस्न के नाम। हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में शूट कर रहे हैं। सिंस इट्स अर्ली डे शूट, तो उस वजह से आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी पफिनेस है शक्ल के ऊपर। एंड बट आई फील ग्रेट व्हेन इट्स एन अर्ली मॉर्निंग शूट। उसमें होता क्या है कि आप ज़रा थोड़ा सा यू गेट मोर टाइम टू वर्क एंड यू यूजुअली फिनिश अप अर्ली, सो ये चीज़ थोड़ी एडेड होती है। कैसे हैं आप लोग, बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ लाइव। I'm good, thank you. Maqsood Ali, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. It's Chad, big fan, thank you so much. Love from Kashmir, thank you so much. Nadeem Bhatt, Jannat Apurbo, hey brother, hi sister, how are you? थैंक यू सो मच कमाल हमजा मगर, अल्लाह आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान अब्बास डॉट ऑब्सेस्ड, इमरान ये आप हो क्यों? कि मैं नहीं लग रहा कि आपको। व्हाट्स माय फेवरेट परफ्यूम? इट्स आई कीप चेंजिंग माय कलेक्शन, बट देर आर अ फ्यू क्लासिक्स व्हिच आई ऑलवेज लाइक एंड व्हिच आर ऑलवेज देयर इन माय ऑन माय ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल पे तो खैर मैं नहीं रखता हूँ इस तरह परफ्यूम सजा सजा के। मेरे साथ तो ट्रैवल ही कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यस आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स एंड द वन व्हिच आई लाइक द मोस्ट नाउडेज इज बकार्ड रूज, आई थिंक दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। इट हैज लाइक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, ऊड एंड वनीला, some really long lasting ones. Bhai, you're looking so fresh. Zamin Yusuf Zahi hai to aap, mujhe bilkul mujhe lag raha hai ki aap galat keh rahe hain, isliye ki main bilkul fresh nahi lag raha hu us waqt. Kama Imra, what keeps you motivated in life? Yeah, there are always highs and lows, and I you know, like everyone, we all so suffer from lows in life. जब आप motivated नहीं होते और जब आप उदास भी होते हैं, depressed भी होते हैं, so it's like phone के नीचे कर गया था, हाँ, so ये तो चलता रहता है, it's normal. I'm sitting in my car and just waiting for my director to call me for the scene. This project is definitely, you're gonna like this project because it has good cast, good director, very good director, very good cast, very good team. My co stars are Saba Kamar and Asad and Asad Siddiqui, and there's lots of senior actors like Salman, Shahid Sahab, and Muzna is another friend of mine, and like good people, so we are having lots of fun. Haris is a young boy who's doing very, very well. He has already done like huge projects and abhi bhi bahut acha kaam kiya hai isme. Thank you so much Wajiha Baloch, bahut bahut shukriya for wishing me luck. If you want me in Khudar Mohabbat 4, thank you, bahut bahut shukriya.
मेरा ख्याल है कि खुदा और मोहब्बत इतना बड़ा हिट हो चुका है 3-2-1 कि अब दिस सीरीज शुड आई थिंक एंड अप ऑन अ गुड नोट और इतना ह्यूज इसको सक्सेस मिली है सीज़न 3 को भी आई थिंक एक चीज़ अच्छी जगह पे आके ख़त्म होनी चाहिए और 4 अगर बनेगा भी तो आई थिंक इट शुडंट बी डन एनी टाइम सून थोड़ा टाइम लगना चाहिए उसको एंड बाय द टाइम आई विल बी टू ओल्ड टू डू वन टू यू नो प्ले अ यंग आशिक तो किसी नए को करना चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि अब आई विल बी सूटेबल फॉर 4 सीज़न बहुत अच्छे अच्छे नए लोग आ गए सैयदा हुमा अकरम ने कहा कि आप चित्राल कब आ रहे हैं चित्राल अभी तो जी थोड़ा सा टाइम मिले अभी तो बैक टू बैक सीरियल ये काम चल रहा है तो आई एम नॉट गेटिंग विद एनफ टाइम टू स्लीप प्रॉपरली तुम्हारे हुसैन के नाम कब आएगा थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो बन रहा है 2-3 महीने तो लग जाते हैं बनने के बाद किसी चीज़ की पोस्ट प्रोडक्शन में और उसको पॉलिश करने में एंड डायरेक्टर वी आर वर्किंग विद ही इज द परफेक्शनिस्ट सो आई थिंक ही विल टेक हिज ओन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन द डाइनिंग टेबल वेयर डू आई लिव इन इस्लामाबाद आई लिव इन द सेंटर ऑफ द सिटी आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज Thank you so much, Sabah. Scene is ready. You know, the biggest motivation on the set, one of the biggest motivations on set is Sabah Qamar Zaman, of course. I'm working with her for the first time in a serial. And what a positive energy on set she is. And since all you guys know that she is like one of the finest actresses we have in Pakistan. So I'm having like great time working with her and thank you so much Sabah agar aap sun rahi hain abhi tak agar aap live hain to I think you are live for being such a great co-star and great friend ek aisi dost hai jo doston ki dost hai aur bindaas mast ladki hai bahut khushi hui tumhare sath kaam karke Sabah and I really really enjoyed every single moment which I worked with you on a screen and even behind the screen behind the camera behind the screen behind the camera aur kya aapki tareef karun main Sabah jab log bahut sare log aapko jante bhi nahi us tarah kyunki you have a persona of a superstar but when people come to know you in you know in person तब पता चलता है कि कितनी अच्छी कितनी रिफाइंड और कितनी सुलझीवी लड़की है सब एंड शी हैज यू नो द डेप्थ एंड सब्सटेंस जब आप उसे बात करते हैं पता चलता है कि हाँ इस लड़की में दम है सिर्फ एक खूबसूरत हसीन सुपरस्टार नहीं है बल्कि एक बहुत कमाल की लड़की है तो ये पहली दफ़ा मुझे इस दफ़ा जब काम जब करते हैं तो आपको साथ फिर अंदाज़ा होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपने दोस्तों को भी जब मिलते हैं और जल्दी से मिल के बस चले जाते हैं तो उस तरह अंदाज़ा नहीं होता बट व्हेन यू स्पेंड टाइम विद समवन लॉट्स ऑफ टाइम लाइक इवन व्हेन यू जब आप काम करते हैं तो फिर उसमें आपको बहुत सारा वक्त साथ गुजारना होता है चाहते हुए ना चाहते हुए भी अपने बहुत सारे कोस्टार्स के साथ लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से आपको सेट पर आने पर खुशी होती है कि चलो आज सभा होगी और जिस दिन सभा सेट पर नहीं होती उस दिन एक अजीब सा माहौल होता है वो शोर शराबा नहीं होता वो हंगामा नहीं होता वो एक मस्ती नहीं होती और वो बात ही नहीं होती ऑल्दो हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो एक कोस्टार के साथ आप डायरेक्टर अपने काम में बिजी होता है बट सब जब सेट पे नहीं होती तो फिर एक अजीब सा माहौल होता है एंड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट यू सब दैट आई रियली मिस यू व्हेन यू आर नॉट ऑन सेट एंड आई crave to work with you all the time bas sabha nama aaj to lag raha hai sabha ke naam pe hai sara ke sara tumhare husain ke naam and you would certainly love our chemistry on the screen it's a beautiful project means a lot thank you so much sabha
and I'm saying everything straight from my heart. No flattering, nothing which... Thank you. तो जनाब विंटेज मेलोडीज ने कहा सबक खबर वो तो रुक ही नहीं रहे. ये एक पेज है जो मैं अक्सर उसकी बड़े अच्छे अच्छे गाने अपलोड कर रहे होते हैं इंडिया से. बिल्कुल आपने भी आप लोगों ने भी देखा होगा जी इनको, अपनी एक बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म हिंदी मीडियम में विच वॉज विद द लेट इरफान खान साहब. योर क्लीन शेव लुक वेरी ब्यूटिफुल रिप्लाई भी कर दें हीरो. कौन है भाई? अच्छा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. खानदा हैदर ने कहा आई यू मैरिड? यू डोंट नो खानदा? क्यों मेरे आप जख्मों में नमक चढ़क रही? Yesterday I saw you in Gulberg. You waved me. I waved you. भाई जब मैं drive कर रहा होता हूँ तो मुझे सामने के अलावा मैं किसी तरफ देखता ही नहीं हूँ. So wave करना तो बड़ी मुश्किल सी बात होगी. मुझे नहीं लगता कि मैंने किया होगा किसी को wave. भाई या बहन जो भी हैं. ऊँट की तरह मैं वो नहीं होता जो मुझे घोड़ा होता है जो तो blinds क्या होते लगा के साइड पे जा रहा होता है. उस तरह मैं यूँ सीधा ड्राइव कर रहा होता. अच्छा जी सरदार खान खान जला 420 सलाम वालेकुम अस्सलाम. इट्स केम तस्नीम फ्रॉम बांग्लादेश. हाय ओके लेट्स टेक समवन ऑनलाइन इफ नो या देयर समथिंग रॉन्ग एक्सट्रीमली रॉन्ग इन माय हाँ जी मैं स्लो रीड करता हूँ थोड़े कमेंट्स. ओके जी अस्सलाम वालेकुम इमरान. वालेकुम अस्सलाम. कौन? हेलो आवाज आ रही है? जी आ रही है. कौन है जी? आपसे काला सा चेहरा नजर आ रहा है. हेलो जी कौन बात कर रही हैं? आप पे आपकी चाय आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, शक्ल नजर नहीं आ रही. आई एम सॉरी मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती इमरान. हाउ कैन आई टेल यू आई एम सो हैप्पी. अच्छा आपका नाम क्या है और आप कहां से बात कर रही हैं? पहले मैं इंडिया से हूं. मेरा हेलो मैं लखनऊ से हूँ. लखनऊ से मैं आना माया थे. आपका नाम आया? जी मैम मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपने मुझे लाइव लिया. मैं बहुत बहुत खुश हूँ. इमरान आप कब आओगे इंडिया? इंडिया कब आऊंगा? इंडिया बस दुआ कीजिए कि सब हालात ठीक हों. सारी दुनिया में जितने भी हालात हैं वो सब सही हों और मोहब्बतें बढ़ें तो सब हालात ठीक होंगे. तो आएंगे अभी तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल डोंट वरी आप नहीं आओगे तो मैं आऊंगी ना आपसे मिलने. वहाँ पे पाकिस्तान आएंगी? जरूर आइए जरूर आइए. मैं आपके लिए कुछ भी. आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है.
मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही है कि मैं आपसे बात करूं, अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं, आप रिलैक्स कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा. एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर फैमिली एंड योर सिटी, एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर लव्ड वंस. थैंक यू सो मच, आई लव यू। अब यू टू, नाम क्या था? आयत. आयत. चलिए जी, माय एसोसिएट इज हियर विद द सीन इन हैंड. जी लाइए. बेस्ट ऑफ लक, वी आर ऑल योर फैन पेजेस वेटिंग फॉर योर ड्रामा। Which one? Which drama are you waiting for? एवरी अमानत, अमानत एंड ये माय हुस्न के नाम। जी. चलें, आप जीत गई इसका मतलब है, वरना मैंने कहा शायद आप फेल हो जाती इस बात में कि आप नाम ना बता पाती कि विच प्रोजेक्ट इज कमिंग. नहीं मैम, मैं आपके बारे में, मुझे एक एक चीज की जानकारी होती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा यार चलिए, फैन हूँ ठीक है, आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आयत, अपना ख्याल रखिएगा. यू विल हैव टू डिस्कनेक्ट बिकॉज आई डोंट हैव द ऑप्शन टू डिस्कनेक्ट. इफ आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम नाउ फ्रॉम ओके हियर ओके, सेम माय होल टू फैमिली. यू, बाय बाय। बाय. जनाब, तो शी वाज आयत फ्रॉम लखनऊ इंडिया, एंड सो आईव गॉट द सीन एंड दिस इज द वे वी यू नो वी Have our script. This is Tumhare Husn Ke Naam, and we are shooting scene number 30 from episode number 3A. Okay, I am not gonna show you the line. And this is the scene between me, Saba Kamar, and Asad. And guess you have already guessed. You have already followed my story, so you know which character I'm playing. I'm playing Sikandar. Saba Kumar is playing Selma, and Asad is playing Atif. So these are the three names which have already been disclosed by our social by us through our social media. So it's not a secret anymore. And we are shooting this portion of the serial here in Punjab University. Which the university and the people in the university have been very, very kind and very cooperative. And trust me, we didn't shoot in any of the classes which were already being conducted. ऐसा हमने कुछ नहीं किया है कि जो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां बंद करा दी गई हैं और पता नहीं इस्तेहसाल हो रहा है या क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही अच्छी तरीके से सब काम हो रहा है. हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी तालीमी इदारे का या किसी भी जगह का तकद्दुस पामाल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई मजहबी कोई इबादत गाह हो. ऐसा कभी नहीं हुआ. लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाज़ चीज़ों को ब्लो कर देते हैं, विच इज़ वेरी सैड. हम भी मुसलमान हैं, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और हम भी इसी मुल्क के बहुत सिविलाइज्ड शहरी हैं. हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारी वजह से कोई किसी का नुकसान हो या किसी का इस्तेहसाल हो. इस्तेहसाल इज सच अ हार्ड टू डाइजेस्ट वर्ड विच हैज जस्ट कम टू माई वोकैबुलरी अ फ्यू डेज बैक. सो ये बड़ी अजीब सी बात होती है जब लोग किसी के बारे में ऐसी बात कर देते हैं. यूनिवर्सिटी के लोग भी बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं, और यहाँ सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं. किसी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमने क्लास बंद करवाई हो या हमने कहा हो कि जी आप हम शूट कर रहे हैं प्लीज आप लोग चले जाएं. नहीं, हम बड़े या तो डे ऑफ में काम कर रहे होते हैं, जब वर्किंग जिस दिन काम हो रहा होता है उस दिन हम ऐसी जगह पर शूट कर रहे होते हैं जहां जहां क्लास या जहां क्लास कंडक्ट नहीं हो रही होती है, जहां लोग नहीं होते. देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हम भी आर्टिस्ट हैं और ये आर्ट स्कूल में ही काम हो रहा है. और हमारे एनसीए के दिनों में हमेशा से हम देखते आए, पूरा हमने सीरियल शूट किया था यार, कॉलेज जीन्स, जो एनसीए के प्रेमिसेस में शूट हो रहा होता था. और ये भी हम आर्ट का ही काम कर रहे हैं. यहाँ जो काम हो रहा है वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है, क्रिएटिव काम है, और इट्स वन ऑफ यू नो वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स. सो इसका मतलब हरगिज ये ना समझा समझा जाए कि प्लीज हम यहाँ कोई आके ऐसी गैर शरई गैर ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, गैर मजहबी या कोई ऐसा काम जो के अगेंस्ट आर सोसाइटी और अगेंस्ट आर नॉर्म्स और अगेंस्ट आर रिलीजन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. प्लस एक और बात,
कि ये हमारा भी मुल्क है, यहाँ हम भी उतने ही इसके शहरी हैं जितना कोई और हो सकता है। सो प्लीज इस बात को समझना चाहिए कि ये किसी की ज़्यादादारी नहीं है यहाँ। जो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी सबको कुछ भी कह जाने का हक होता है, किसी के भी दिल तोड़ने का हक होता है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर बीइंग ऑनलाइन, अभी बीइंग लाइव, बीइंग ऑनलाइन। आज मैं कुछ नींद पूरी ना होने की वजह से थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग भी कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच।